दोस्तों, ईवीएम में धांधली होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग ईवीएम में धांधली को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। अब इन लोगों में बीएलओ भी शुमार हो गई हैं, जी हाँ, जो मतदान केंद्र पर भी मौजूद होती हैं और जब काउंटिंग होता है तब भी उनकी मौजूदगी होती है, और वही बीएलओ ईवीएम को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं, चौंकाने वाली बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि कैसे ईवीएम में धांधली होता है। हालांकि ईवीएम से जुड़ी तमाम याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी, इस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन इन याचिकाओं को आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए खारिज कर दिया गया और कहा गया कि जिसको भी ईवीएम पर शक है वो अपने खर्चे से ईवीएम की जाँच चुनाव बाद करवा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या ईवीएम में वाकई गड़बड़ी होती है? क्या ईवीएम में सब कुछ पहले से ही सेट होता है? क्योंकि बीएलओ साहिबा कुछ ऐसे ही बयान दे रही हैं एक न्यूज़, जी हाँ, एक न्यूज़ चैनल पर वो ये बात कहते हुए दिखाई दी, और अब उनके साथ क्या हुआ आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बीएलओ का जो बयान है वो ये कहते हुए नज़र आई कि जब काउंटिंग हो रहा था, काउंटिंग के दौरान उन्होंने देखा कि बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है उसमें सपा बसपा का, जी हाँ, सपा बसपा का पर्ची निकला, सपा बसपा के लोगों को वोट पड़ते हुए दिखाई दिया गया कि हाँ उनको वोट दिया गया है। लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही नाम था, बीजेपी का ही तमाम चीज़ों पर नाम दिखाई दे रहा था, यानी कि सपा बसपा के जो वोटर्स थे उनका वोट ईवीएम में नज़र नहीं आया। ऐसी बातें वो ललन टॉप पर जो है एक पत्रकार से बात करते हुए बीएलओ कहते हुए नज़र आई हैं। साथ ही आपको एक और जानकारी दूंगी दोस्तों, जिस जानकारी को देखकर सुनकर आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बीएलओ का जो बयान है वो आपको सुनाना चाहूँगी, जो ललन टॉप के कैमरे पर कहते हुए नज़र आ रही हैं कि मैं बीएलओ हूँ, मशीनों में गड़बड़ होती है, इससे पहले चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी, सारा वोट बीजेपी को ही जा रहा था। ये पहले वाले चुनाव की बात कर रही हैं कि इससे पहले मेरा जो है चुनाव के अंदर ड्यूटी लगा था और जब मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सारा वोट भाजपाइयों को ही गया। ऑन कैमरा, जी हाँ, ऑन कैमरा ईवीएम में गड़बड़ी होने का दावा बीएलओ की तरफ से किया जा रहा है। अब उसी बीएलओ पर दोस्तों मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बीएलओ जो है वो कह रही है कि जैसे ही उन्होंने ये बात सार्वजनिक करी, कैमरा पर कहा, अब उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है। सोचिए दोस्तों, बीएलओ, क्या बीएलओ भी झूठ बोलेगा? जो खुद अपनी आंखों से देख रहा है वो इस बात को लेकर माइक पर साहस हिम्मत दिखाकर ये बात कह रही है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं दोस्तों कि कैसे कुछ भी बोलो फौरन FIR हो जाता है, जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। लेकिन इस बीएलओ ने हिम्मत दिखाते हुए कैमरे पर आकर ये तमाम बातें कही कि बैलेट पेपर से सपा बसपा को मैंने देखा कि उनका पूरा पर्ची में नाम निकल निकल कर आ रहा था कि उनको वोट पड़ा है, लेकिन जैसे ईवीएम मशीन खुलता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नाम शुमार रहता है। अब आगे एक और यूज़र है दोस्तों, वो भी बता रही हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव को लेकर जो बातें हैं, जो बयान उनका सामने आया है, असम के दीमा में जो खबर निकल कर सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। हालांकि ये खबर सच है झूठ है, इस खबर की दोस्तों मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो यूज़र है डॉक्टर मोनिका सिंह, वो कह रही है कि असम के दीमा में, जी हाँ, दीमा हसाओ ज़िले में एक बूथ पर 90 मतदाता हैं, सिर्फ 90 मतदाता, लेकिन ईवीएम में वोट 171 पड़ गए, चुनाव आयोग के 5 अफसर जो है वो सस्पेंड हो गए। सोचिए, 90 मतदाता है लेकिन ईवीएम में 171 वोट जो है वो पड़ जाता है, कैसे पड़ता है ये तो चुनाव आयोग के अधिकारी ही बता सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट है कि आखिर भैया जिस आप ईवीएम को लेकर कहते हैं कि निष्पक्ष है, हम निष्पक्षता के साथ सारा काम होता है, हम जो है कोई किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, कोई समर्थक नहीं है, लेकिन ये खबर कुछ और ही बता रही है। और भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई दोस्तों इस चुनाव में भी, बीते चुनाव में भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि ईवीएम में धांधली हुआ है, ईवीएम के साथ ऐसे हो गया है, ईवीएम में छेड़खानी हो गई है। अभी कहा जा रहा है कि देखिए 100% चुनाव होता है लेकिन
ईवीएम में जो डेटा आ रहा है उसमें 100% से आगे का जो डेटा निकल कर सामने आया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कई सीट पर जो है लोगों का राय, मुद्दा, ये सब कुछ निकल कर सामने आ रहा है। इनफैक्ट जो वोटिंग प्रतिशत वो बढ़ गया अचानक से, उस पर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल दाग दिए हैं। ऐसे तमाम सवाल लगातार उठते रहते हैं, हम भी आपको लगातार सवाल और तमाम वो खबरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर जनता के बीच जो शक शुबा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ईवीएम संदेह के घेरे में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन उनके फैसले से विपरीत जो लोग हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।